बटाला पुलिस के अधीन पेंदे सरहदी पिंड नवा पिंड बरकीवाला विच देर रात माहौल उस वेले दहशत भरिया हो गया जदों पिंड विच कुछ अणपछाते व्यक्तियों के वलों सरवण सिंह के घर से अंधाधुंध गोलियां वरसा दित्तियां गईयां। इस घटना विच घर का मालिक सरवण सिंह चार गोलियां लगन नाल गंभीर जख्मी हो गया। यह सारी घटना घर विच लगे अते पिंड के गुरुद्वारा साहिब विच लगे सीसीटीवी कैमरे विच कैद हो गई। पुलिस के वलों केस दर्ज करते हुए अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखो गुरदासपुर तो परमिंदर की खास रिपोर्ट। ये गोलियां साढ़े वड्डे वीर जी सरवण सिंह ना वो जिहड़े मतलब जो फायरिंग हुई है तो वो आवाज़ सुन के बाहर निकले ने तो बाहर निकलदे सार उन्होंने वेख्या तो गोलियां चल रही सी। जिवें वो बाहर निकले तिवें उन्होंने अन्नाधुंध उन्होंने अंधे धुंध गोलियां चला के तो उस समय मतलब थले जमीन पर डिग पे ने। उस तो बाद परिवार जरा फटाफट जो जो ही उन्होंने उन्होंने चुक के तो उन्होंने इतों सीरी ज़्यादा उन्होंने उन्होंने इतने पी जी आई चंडीगढ़ रेफर करता वा। कि गोलियां लगभग चार लगियां वा बाकी इस जगह पर मतलब डिगे ने वो जगह जी उन्हें विखा दें जी जगह तो मतलब उन्होंने गोलियां मार के बाद डिग पे थले गोलियां लगभग चलिया वा ला लो भी उन्होंने कोई 60-70 फायर की ने लगातार ने पहचान च है बंदे बिल्कुल नहीं जो बंदे ना हाड़ी की इदा कोई एह जी रंजिश नहीं कोई किसी ना हाड़ा मसला नहीं बस अपना इधर रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं साढ़े ना बिल्कुल नजायज हुई है। किन्ने को बंदे ही गिनती बंदे लगभग चलो अं तो नहीं उस चीज़ में ध्यान दी लोग दस दिया कि जो गए हैं बंदे कोई 10-15 कोई 10-16 बस वो सानू तो फिर बंदा अपना जो डिग पे सानू तो कोई समझ नहीं लगी कत्ते सवार हो गया जी वो गड्डी गड्डी ते दादे मोटरसाइकिल ते दादे इदां लग के इस तरह आए गड्डियां मोटरसाइकिल ते आई ते कोई चीख दिया जो आवाज आवूज आई फिर बाहर निकले तो उससे उन्होंने गोलियां हाँ जी हाँ जी पुलिस को सारा कुछ होया पुलिस आई है मौके से उन्होंने आके वेख्या उदों नूं आपां बंदा अपना उत्थों चुक के खड़िया सीसीटीवी दे विच सामने आया वा कि वह बंदे गोलियां चलते बाहर आते हैं तो वो चला के उन्होंने अंधे धुंध मार के 60-70 फायर मार के चले जाते हैं। जो गोलियां चलाइया उन्होंने तुहाडे इत्थे घर च कित्थे कित्थे वज्जियां ने हाँ जी वो घर के गोलियां वज्जियां वा मतलब तुहानूं आओ दा इह वी दस दिंदे जिथे ते वज्जियां ने कि वो साढ़े गेट तो गेट के भी गोलियां वज्जियां ने दातर वज्जे ने उस तो बाद थंम के लगियां ने बाकी वीर जी जिथे डिगे ने उत्थे बाद फिर वो ज़्यादा सीरीयस हो गए इस करके उन्होंने फिर उतों भज दौड़ पै गई। बाकी यह भी तुम सू इंसाफ दवाओ जिदा होंगे सू इंसाफ मिलना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे जितों तक हूँ इन्हों की एक गड्डी आ तो एक मोटरसाइकिल सीगा मोटरसाइकिल इन्होंने ना पिंड की गली के विचों भी घुमा के गए आ तो उस तो बाद जो इतने आ के गेट खड़काउंदे आ तो मतलब गोली चलाउंदे आ तो इन्हां दे वड्डे भाई साहब सरवण सिंह जी वो बाहर आउंदे आ भी मैं देखा भी की चक्कर कौन गेट खड़का रहा वो नाल दी नाल ही मतलब वो फायरिंग शुरू कर देंदे तो वो सारा जिहड़ा इन्हां दे घर सीसीटीवी कैमरा लगा होया तो उहदे विच भी वो फायरिंग दे सारे शरले वजदे जिन्ने भी आ वो सारे नज़र आ रहे आ वो भाई साहब फिर डिग पैंदे आ तो फिर कह देंदे भी अपने बच्चन चुक के पिछे अंदर लै जाओ फिर आप हौली हौली अंदर जांदे रहे। उस तो बाद मेरा लागी घर आ तो आप आने फिर तो फिर गड्डी इन्हां दी वीर दी घरे खड़ी होंदी आ उहनूं लै के जांदे आ। माहौल किस तरह दा माहौल बहुत ज़्यादा मतलब दहशतगर्द वांगू मतलब पिंड दे विच बहुत माहौल गर्म होया होया प्रशासन यही बेनती है भी इन्हां लोकां नूं नथ पाई जाए। घटना वेखो जी मेरा थोड़ा घर इतों दूर आ तो जो असं आवाज़ सुनी है गोलियां की रात मतलब उदो अं बाहर निकल के वेख्या तो साढ़े लागे एक विआह से भी डीजे वजदा से उत्थे भी मतलब बंब बुंब चला रहे थे। उस तो बाद जो इन्हों का डॉक्टर साहब नूं फोन गया साढ़े कोल ही डॉक्टर साहब ने इन्हां घर वालियां दस्सिया भी साढ़े इदां बेटे नूं मतलब अणपछाते जिहड़े व्यक्ति आ बाहरों गली दे विचों गोलियां मार के चले गए हैं तो जो मौके पर मैं नहीं पहुंचा डॉक्टर साहब जां होर वीर पहुंचे ने उन्होंने आने के उसकी हालत में वेखद फिर उन्होंने बटाले लैके गए ने तो बटाले वाले आगे अमृतसर रैफर करता अमृतसर वाले ने उन्होंने चंडीगढ़ पी जी आई रैफर करता। कितनी को गोलियां उस वेले चलिया गोलियां जी 50 तो लैके 70 के करीब मतलब विच गोलियां चलियां ने। कितने को बंदे होणगे जिन्हां नूं गोलियां चलाईयां बंदे वेखो जो सीसीटीवी कैमरियां दे विच जितना गुरुद्वारा साहब तो भी कढ़े ने एक गड्डी आ दो मोटरसाइकिल ने तकरीबन वो बंदे कोई 10-15 बंदे होणगे। कोई पहचान च आया उन्होंने विचों नहीं कोई पहचान नहीं रात कोई 10 दे करीब दा टाइम है उस वेले कोई पछाण दे विच नहीं हैगा बाकी इन्हां दी किसी ना कोई निजी दुश्मनी ना पिंड च आ ना लागे बन्ने आ इह परिवार जिहड़ा बहुत शरीफ परिवार आ दो बेटे जिहड़े उह बाहर अपने नौकरी करदे ने रोजी रोटी वास्ते विदेशां दे विच इह वीर अपने घर दे जाण के माल डंगर ते घर दे अपना जिहड़ा कारोबार चलाउंदा बहुत ज़्यादा दहशत दे विच ने बच्चे इस तरह किसी दे घर हो सकदा। पुलिस प्रशासन ने वेखो मौके पर आके तो चलो जो भी करना सी कार्रवाई की आ पर अं चाहते भी यहोजे लोगों नथ पाई जाए ता कि जिहड़े आम करके पुलिस नाकियां ते इन्हां कुछ रोक के चलान वगैरह कटदी आ उहो ही इन्हां दी तलाशी करके इन्हां गड्डियां दी विचों जिहड़े हथियार ने जां कोई भी इदां लोगों के कोल नजायज़ असला वा उन्हां नूं जिहड़ा वा मतलब फड़िया जाए।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਕੀਵਾਲ ਪਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 ਅਤੇ 403 IPC 2558 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ DSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ SHO ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, CCTV ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ।